दोस्तों इस वक्त मैं नत के सेट पे हूँ और मेरी मुलाकात जो हुई अनुराग शर्मा जी से। और अनुराग जी इस वक्त नत सीरियल के अंदर जो है एक ठाकुर का करेक्टर कर रहे हैं, बेहतरीन किरदार कर रहे हैं, ज़बरदस्त किरदार कर रहे हैं। उनके काम में वो खूबी है कि जिस वक्त ये कैमरे के सामने आते हैं तो कैमरा खुद उनको बोलता है कि आज सर हमारा इस्तेमाल कीजिए, हमारा इस्तेमाल कीजिए। हेलो अनुराग सर, नमस्कार जी। मैं मूवमेंट्स एंड जर्नी में आपका स्वागत करता हूँ सर। मेरे चैनल का नाम है सर मूवमेंट एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान। क्या आवाज है सर, इस वक्त बहुत ही प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं सर। और आज आपसे मौका मुझे मिल गया मिलने का। आज जो आपका सीन चल रहा है सर, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सर। सीन तो हमारा ऐसा चल रहा है, हमारे गांव में सरपंच की गद्दी खाली हुई है अभी अभी, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो गद्दी हमको मिले। बस वही कॉम्पिटिशन चल रहा है हमारा, बिल्कुल सर। ये जो हमारा काम है, किरदार है, करेक्टर है और काम करने का तरीका है, हर इंसान अपने अपने तरीके से करता है। लेकिन मैंने एक चीज़ ये देखी है कि जिस वक्त आप सर कैमरे के सामने आते हैं तो बिल्कुल भूल जाते हैं और आपको ये लगता है कि आज हम इसी करेक्टर में, ये मेरी आज की ज़िंदगी यही है। ये आपकी खूबी ज़रा अपने फैंस और लोगों को बताना चाहेंगे क्या? एज एन एक्टर आप जो भी किरदार कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, आप उसमें एकदम लीन हो जाइए। काम कोई भी हो, कोई भी काम हो, आप दिल से करेंगे तो आपके काम बहुत अच्छा भी आएगा और उस काम के आपके बस। वैसे ही हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है कि हम नए नए किरदार करते हैं, जो भी किरदार करते हैं उसमें तरीके से लगाव हो जाते हैं। क्या बात है सर, ये एक अच्छे इंसान और साथ में एक अच्छे करेक्टर की खूबी है। और मेरी दुआएं हैं सर कि बॉलीवुड में आपका ऐसा मुकाम बनना चाहिए कि लोग आपको सामने से बोले कि भाई देखिए ये अनुराग जी आ रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त कोविड ख़त्म हो गया है एक्चुअली 2 साल के बाद, और काम करते वक्त लोगों के लिए क्या मैसेज है कोविड के हिसाब से? कोविड के लिए मैं यही बोलूँगा, कोविड ठीक है, खत्म हो गया है, लेकिन आपको अभी भी बोलना है और खुद का उसके साथ साथ पूरी फैमिली का ख्याल अभी भी लगा के सके, एक तरीके से परेशानी खत्म हो जाए, उसके बाद फिर हम और इंजॉय करें। दोस्तों ये एक आर्टिस्ट की हैसियत से नहीं, इस वक्त अनुराग जी एक दोस्त की हैसियत से दे रहे हैं मैसेज। और ये खाली एक बॉलीवुड के लिए मैसेज नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पूरे हिंदुस्तान के लिए है, लोगों के लिए, आवाम के लिए है। और सर एक आपसे एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि बॉलीवुड के अंदर आपको कितना टाइम हो गया काम करते हो सर? क्या बात है, माशाल्लाह पर्सनालिटी तो एक नंबर आपकी एक बार निखरती हुई है कि जिस वक्त आप चलते हैं तो लोग आपको पलट के देखते हैं और सलाम करते हैं। कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ, इनाम बहुत ही अच्छे इंसान है और हमेशा दूसरों की मदद में कुछ ना कुछ कोशिश अपनी करते रहते हैं। तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि हमारे दोस्त का चैनल जो है मूवमेंट्स एंड जर्नी ऑफ निज़ाम खान, आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, इनके वीडियोज देखिए और अपना पूरा सहयोग दीजिए ताकि ये अपना सहयोग बाकी सभी तक पहुँचा सके। ये बहुत बड़ी खूबी और बहुत बड़ी मेरे लिए बात है कि इतने बड़े आर्टिस्ट बॉलीवुड में जिनका बहुत अच्छा नाम है, इज्जत अल्लाह ने दी है, शोहरत दी है और बड़े मुकाम बनाए हैं, और ये छोटे से इंसान के लिए जो है चैनल के लिए बोल दिया। मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, खुदा से दुआ करता हूँ कि अनुराग जी को अल्लाह पाक अब ऊँचे मुकाम पर बॉलीवुड में जगह दे और बहुत अच्छा काम ले जाए और आपका बड़ा नाम है। और दोस्तों मैं जाते जाते एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे चैनल का दोस्तों आपको नाम तो मालूम है, वुमेंस ऑफ जर्नी ऑफ निज़ाम खान। थैंक यू सर।